हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल महा टॉकीज में। आज हम रिव्यू करेंगे मलयालम इंडस्ट्री की मूवी मालिकापुरम का, जिसने केरला बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाया था और अभी हाल ही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे स्ट्रीम हो रही है, जो हिंदी डब में भी अवेलेबल है। जो लड़कियां शबरीमाला यात्रा के लिए माला पहनती है उन्हें मालिकापुरम कहा जाता है। इस मूवी की कहानी है 8 साल की छोटी बच्ची कल्याणी यानी कल्लू की, जो बचपन से अपनी दादी माँ से भगवान अय्यप्पन की कहानियाँ सुनती आई है। उसकी भगवान अय्यप्पन में बहुत श्रद्धा है और वो शबरीमाला जाकर उनके दर्शन करना चाहती है। क्या उसकी ये विश पूरी होगी, इसके अराउंड फिल्म की कहानी चलती है। कल्लू एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है। दादी और कल्लू उसके पिता अजयन को शबरीमाला ले जाने के लिए इंसिस्ट करते रहते हैं। अजयन पे बैंक का बहुत सारा लोन है और उसने गांव के एक शख्स से भी पैसे लिए हैं। ब्याज ना लौटाने पर एक दिन जिस आदमी से अजयन ने लोन लिया था वो आदमी उसे बहुत पीटता है और ये उसकी बेटी कल्लू देख लेती है। अपनी बेटी के सामने हुआ अपमान वो झेल नहीं पाता और वो सुसाइड करता है। कल्लू और उसकी फैमिली पे दुखों का पहाड़ गिर जाता है। एक दिन कल्लू और उसका दोस्त पीयूष उन्नी दोनों किसी को बिना बताए शबरीमाला जाने के लिए निकल पड़ते हैं। उन दोनों को बस में एक अय्यप्पन नाम का शख्स मिलता है जो उनकी शबरीमाला जाने में मदद करता है। वो कौन होता है और उनकी मदद क्यों करता है, इसका जवाब हमें क्लाइमैक्स में मिल जाता है। इस मूवी को देखने से पहले एक बार आप भगवान अय्यप्पन जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए ताकि फिल्म का प्लॉट समझने में आपको आसानी होगी। ये एक फील गुड हार्ट वार्मिंग मूवी है जो हमें डिवाइन एक्सपीरियंस देती है। अगर हम मूवी के प्लस पॉइंट्स की बात करें तो इसमें सभी के परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया है। स्पेशली देवनंदा जिसने कल्लू नाम का कैरेक्टर प्ले किया है और श्रीपद जिसने कल्लू के दोस्त पीयूष उन्नी का कैरेक्टर प्ले किया है, उन दोनों का काम आपको बहुत पसंद आएगा। कल्लू का इनोसेंट चेहरा और उसकी प्यारी मुस्कान हमें सुकून देती है और पीयूष उन्नी के एंटिक्स भी हमें बहुत हंसाते हैं। और उन्नी मुकुंदन अय्यप्पा दास के कैरेक्टर में एफर्टलेस लगे हैं, उनकी एक्टिंग भी बहुत शानदार है। मूवी का डायरेक्शन विष्णु शशि शंकर ने किया है, उन्होंने ईश्वर की आस्था पे बेहद ही प्यारी मूवी बनाई है। ये मूवी विजुअली बहुत ही खूबसूरत है। मूवी का पिक्चराइजेशन, लोकेशंस, सिनेमेटोग्राफी एक्सेलेंट है। गणपति नाम का एक सॉन्ग बहुत अच्छी तरह से पिक्चराइज किया है। उन्नी मुकुंदन का एक एक्शन सीन भी है जिसे बहुत अच्छी तरह से शूट किया है, जो आपको हल्की सी RRR मूवी के एक एक्शन सीन की याद दिलाएगा। फिल्म का सिर्फ एक ही निगेटिव पॉइंट लगा, उनकी जर्नी में थोड़े और हर्डल्स दिखाने चाहिए थे। ये एक वेल मेड हार्ट वार्मिंग मूवी है। बहुत दिनों बाद मलयालम इंडस्ट्री से एक ऐसी मूवी आई है जिसे आप पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं और इसके चलते इस मूवी ने केरला बॉक्स ऑफिस पे धमाका किया था और ये उन्नी मुकुंदन के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है। इस मूवी की लेंथ 2 आवर्स के आसपास है। मूवी की IMDb रेटिंग 7.9 है। ये एक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है। मूवी की बात करें तो ये एक इमोशनल राइड है। इस मूवी को हम अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करें तो ये एक हार्ट वार्मिंग मूवी है जो हमारे दिल को छू जाती है। मालिकापुरम कल्चर से रूटेड मास्टरपीस मूवी है जिसे आप किसी भी कीमत पे मिस नहीं कर सकते। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर नहीं देखी तो इसे जल्दी देखिए। आपको हमारा मालिकापुरम का रिव्यू कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल महा टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।